गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण जो अपना चैप्टर चल रहा था इसमें अपन अप्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम अप्रकाशिक अभिक्रिया को तीन चरणों में बांट चुके हैं, जिसमें से एक अभिक्रिया जो थी C3 साइकिल, C3 चक्र, वो हमने पढ़ लिया है। दूसरा चक्र था हमारा C4 चक्र, ये भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज चलेगा जिसका नाम है केम साइकिल या क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये जो तीनों चक्र चले हैं, ये तीनों चक्र हरित लवक के स्ट्रोमा रीजन में होते हैं, जो कि अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल है। इस अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें हम अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का डिकार्बोक्सिलीकरण कर रहे थे, और डिकार्बोक्सिलीकरण करने के बाद हम शर्करा जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त कर रहे थे। तो आज हम शुरू करेंगे अपना केम साइकिल, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। केम साइकिल क्या है? केम साइकिल पर यदि अपन देखें तो इसका नाम केम साइकिल क्यों दिया गया है, तो हम देखेंगे कि इस क्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम क्रेसुलेसी कुल के पादप, जैसे कि क्रेसुलेसी कुल के अंतर्गत जो पादप आते हैं वो है अगेव, यक्का, अनानास, नागफनी, इनमें किया गया था। अतः इसे क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र कहा गया है। क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र जो इस क्रेसुलेसी कुल के आधार पर नाम दिया गया है। यदि अपन इन पादपों को देखेंगे तो ये सभी पादप जो हैं, इनकी पत्तियां यदि अपन देखेंगे तो पत्तियां जो हैं हमें ये कहें कि एक प्रकार से मांसल यानी मोटी मोटी पत्तियां होगी। यदि पत्तियां मोटी है इसका मतलब पत्तियों ने अनुकूलन किया है, और पत्तियां यदि अनुकूलन कर रही है तो अनुकूलन स्वयं को बचाने के लिए कर रही है। तो उस स्थिति में कह सकेंगे कि जो पादप जिनके पास पत्तियां जो है वो मांसल है, उनके पास कहीं कहीं जल की कमी भी हो सकती है। तो उस जल की कमी को क्षतिपूर्ति करने के लिए यानी जल की हानि को रोकने के लिए ये पादप जो हैं ये केम साइकिल को अपनाते हैं। इन पादपों की जो पत्तियां हैं उनकी पत्तियों में रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं। देखिए बच्चों, यदि रंध्र दिन के समय खुल गए तो उस स्थिति में रंध्र यदि दिन के समय खुलते हैं तो अधिक जल की हानि होगी। अतः इन पादपों की पत्तियों की विशेषता क्या है कि ये रंध्र जो है रात्रि के समय खुलते हैं, और ऐसे रंध्र जो रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं, ऐसे रंध्रों को तिमिर सक्रिय रंध्र कहते हैं। तिमिर ये अंधेरे का पर्यायवाची है, तो इसको अपन तिमिर यानी अंधेरे में सक्रिय होने वाले रंध्र भी कहेंगे। अब इस साइकिल की ये जो तिमिर सक्रिय रंध्र हैं ये रात्रि के समय ही क्यों खुल रहे हैं, दिन के समय क्यों नहीं खुल रहे हैं, तो इसका कारण क्या है कि रात्रि के समय जो ये पादप हैं ये CO2 का अवशोषण करते हैं। रात्रि के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन का फॉर्मेशन तो होगा नहीं, अपन को तो कार्बन डाइऑक्साइड पर ही बात करनी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण होगा और अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पर रात्रि के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाएगा, ये अवशोषण का कार्य करेगी पर्णमध्योत्तक कोशिकाएं, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये कोशिकाएं जो है ये पत्ती के मध्य भाग में उपस्थित होती हैं। ये पर्णमध्योत्तक जो कोशिकाएं हैं ये इनके अंदर पाया जाता है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। जब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट को ये कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके उत्पाद के रूप में एक 4 कार्बन युक्त यौगिक बनाते हैं, जिसको बोलते हैं OAA, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। इसकी क्रियाविधि मैं इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ।
ये चार कार्बन युक्त ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो है ये परिवर्तित हो जाता है मैलिक अम्ल में, जैसे कि C4 चक्र में चला था। C4 चक्र के में आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो है वो मैलिक अम्ल में परिवर्तित होगा। जब ये मैलिक अम्ल में परिवर्तित होता है तो ये मैलिक अम्ल बनने तक की जो क्रिया है ये तो रात्रि के समय संपन्न होती है, लेकिन दिन के समय जो है ये मैलिक अम्ल जो है इसका डीकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है। डीकार्बोक्सिलीकरण होना मतलब, डीकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कि यहाँ पर NADPH2 का निर्माण होगा, यानी ऊर्जा जो है वो मुक्त होगी। यानी ATP का एक स्वरूप है NADPH2, तो NADPH2 के रूप में जो है वो ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसका डीकार्बोक्सिलीकरण जब होगा तो डीकार्बोक्सिलीकरण होने पर जिस कार्बन डाइऑक्साइड ने मैलिक अम्ल बना दिया था ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वातावरण में मुक्त होगी। वातावरण में पुनः क्या होगी, मुक्त दिन के समय, जो कि रात्रि के समय ग्रहण की जा रही थी, इस रात दिन के समय इसको क्या किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा। इस मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका कुछ अंश हरित लवक द्वारा ग्रहण किया जाएगा। हरित लवक जो कि मेसोफिल सेल्स के बाहर की तरफ स्थित होगा, ये हरित लवक जो है इसको ग्रहण करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ दे देगा, C3 चक्र में। C3 चक्र जो कि दिन के समय संपन्न हो रहा था, तो C3 चक्र में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी तो C3 चक्र में जाने के बाद ये ग्लूकोज के अणु का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस प्रकार से जो है ये चक्र जो है ये संपन्न होगा। अब ये जो कैम साइकिल जो चली है, इस कैम साइकिल को अपन ने सीखा कि कैम साइकिल जो है ये रात्रि के समय CO2 के अवशोषण से चल रही है, और यहाँ पर इस चक्र के दौरान वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड जो दिन के समय जो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास अवशोषित की गई थी, ये दिन भर जो है ये रोटेट होती है, यानी घूमेगी, और वातावरण से वापस जब रात्रि का समय आएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रहण किया जाएगा। तो ये जो वास्तविकता में ये जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को ये ऐसे पादप ही संपन्न करवा पाएंगे जिनके पास में जल की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे कि आप एक पादप को तो बहुत खूब से जानते होंगे, नागफनी। नागफनी आपको मिल जाएगा पहाड़ों पर बहुत आसानी से, कैक्टस आपको मिल जाएगा, कांटेनुमा जो पादप होते हैं उनके भी पत्ते, आपने अनानास पाइनएप्पल तो देखा ही होगा, पाइनएप्पल की पत्ती को आप छीक छू कर देखेंगे तो आपको वो गुदेदार पत्ती जो है वो नजर आएगी। तो इनके पास जो है रंध्र भी होते हैं, लेकिन रंध्र जो है वो इस इतना ज़्यादा मात्रा में कहें कि संख्या में नहीं हो सकते कि वो जो है जल की हानि कर पाएँ, इसलिए पत्ती जो है इसको मांसल जो है बनाया गया। ये विशेष प्रकार की साइकिल है जो कि अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ पर C3 चक्र से होते हुए ग्लूकोज का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर ये तीनों चक्र के माध्यम से अपन ने सीखा कि प्रकाशीय अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मुक्त हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से वायुमंडल में चली जाएगी, और वापस में वायुमंडल में जाने के बाद रात्रि के समय वापस से इसका क्या होगा, अवशोषण। तो जहाँ से चक्र चला था वापस से चक्र वहीं पर आकर वापस रोटेट होगा। तो इस प्रकार से ये चक्र जो है ये संपन्न होता है, ये केम साइकिल हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है जो इस पार्ट का सेकंड लास्ट टॉपिक है, जिसको कहेंगे प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन जो है ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रकाश श्वसन को महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्यों कह रहे हैं हम, उसके पीछे क्या कारण है, इसको अंग्रेजी में अपन कहेंगे फोटोरेस्पिरेशन। फोटोरेस्पिरेशन जो है ये क्रिया हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और परोक्षसोम, ये तीनों जो हैं ये कोशिकांग हैं जिसके विषय में हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। ये तीनों कोशिकांगों में एक साथ होती है ये प्रक्रिया, इसलिए इसको हम जो है कह सकते हैं कि एक इकाई के रूप में कार्य करती है। इस क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य श्वसन के अतिरिक्त O2 यौगिक का ऑक्सीकरण होता है। सामान्य श्वसन का मतलब हम कहते हैं कि सामान्य श्वसन जो करते हैं उसमें ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। जब ऑक्सीजन जब ग्रहण की जाती है तो, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है
उसको मुक्त किया जाता है, तो उस समय कहीं ना कहीं कुछ एटीपी जो है वो सामान्य श्वसन में मुक्त होती है। लेकिन इस प्रकाश श्वसन की विशेषता होती है कि इसमें एटीपी जो है ये बिल्कुल भी मुक्त नहीं होती है, अभी तो केवल CO2 जो है वो मुक्त होती है। इस कारण से इसे एक नष्टकारी क्रिया भी कहते हैं। तो बोर्ड हमसे पूछता है कि प्रकाश श्वसन को नष्टकारी क्रिया क्यों कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा कि इस क्रिया के दौरान O2 के द्वारा O2 का जो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण मतलब निर्माण हो रहा है, ठीक है, किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, तो निर्माण हो रहा है तो ATP जो है वो निर्मित नहीं हो रही, अभी तो उसके स्थान पर CO2 जो है वो मुक्त हो रही है। CO2 मुक्त हो रही है तो निर्माण नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये O2 जो है ये नष्ट हो रही है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, नष्टकारी क्रिया। यह क्रिया केवल C3 पात्रों में ही पाई जाती है। हमें चार ऑप्शन देके पूछ लेगा कि प्रकाशीय श्वसन जो है वो कौन से पात्रों में पाया जाता है। एक ऑप्शन में देगा C3 पात्रों में, एक में देगा C4 पात्रों में, एक में देगा केम पात्रों में। तो हमें जो है चौथा ऑप्शन और कुछ भी हो सकता है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रकाश श्वसन जो है ये केवल और केवल C3 पात्रों में होता है। अब प्रकाश श्वसन की क्रियाविधि की बात करेंगे, तो प्रकाश श्वसन की जो क्रियाविधि है इसको ऑटो बारबर्ग ने बताया था। ऑटो बारबर्ग नामक एक वैज्ञानिक था, इसने 1920 में बताया कि O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर संदमित होती है। यानी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, ऑक्सीजन कब बनती है बच्चों, ऑक्सीजन का निर्माण होता है दिन के समय, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाएगा वातावरण से, और जल का उपयोग किया जाएगा जो जड़ों ने अवशोषित किया है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति ज़्यादा हो जाएगी तो उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो मंद पड़ जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो मात्रा कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, तो उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो रिटार्ड हो जाती है या संदमित या कम हो जाती है। तो O2 के इस प्रभाव को ही, क्योंकि बारबर्ग ने बताया था इसलिए इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, बारबर्ग प्रभाव के नाम से जाना था। एक अंक का क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि बारबर्ग प्रभाव क्या होता है। अब बारबर्ग ने क्या बताया, बारबर्ग ने बताया कि O2 और CO2 ये दोनों जो गैसें हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो काम में आ रही है वो उत्पाद के रूप में कहीं ना कहीं O2 भी बनाती है, यदि ज़्यादा मात्रा में O2 बन गया तो O2 की परसेंट बढ़ जाएगी, तो इसके लिए O2 और CO2 दोनों में ही एक एंजाइम का नाम मैंने बताया था आपको, रूबिस्को एंजाइम। ये रूबिस्को एंजाइम हमने C3 साइकिल में पढ़ा था, और C3 साइकिल में हमने आपको बताया था कि ये रूबिस्को एंजाइम जो है ये एक उत्पाद बनाता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो ये PGA जो है ये कैसे बना था इसके विषय में आपको मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो जब O2 और CO2 दोनों एक जगह हो गई तो रूबिस्को के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा होती है, दोनों ये चाहती है कि रूबिस्को को मैं ग्रहण करूँ, एक ऑक्सीजन चाहती है मैं ग्रहण करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड चाहती है मैं ग्रहण करूँ। तो जब CO2 की अधिकता होती है तो CO2 की अधिकता में तो ये रूबिस्को जो है ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति कार्य करेगा, और जब कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति कार्य करेगा तो C3 साइकिल के पहले चक्र के अनुसार, यानी पहले रिएक्शन के अनुसार ये 3PGA 3-phosphoglyceric एसिड का निर्माण करता है। किंतु यदि O2 की अधिकता हो गई तो O2 की अधिकता में ये रूबिस्को अब कार्बोक्सिलेज की भांति कार्य नहीं करता, अभी तो ये ऑक्सीजनेज एंजाइम की भांति कार्य करता है, और उस स्थिति में 2PGA की अनुवर्ती। अब नोटिस करने की बात यह है बच्चों कि जब CO2 की अधिकता थी तो 3PGA बन रहे थे, लेकिन जब O2 की अधिकता हो गई तो कितने PGA बने, 2PGA, यानी क्या हो गई, कमी हो गई। अर्थात CO2 के स्वांगीकरण दर में क्या हो गई बच्चों, कमी, यानी CO2 जो स्वांगीकृत हो करके जो ग्लूकोज के अणु का फॉर्मेशन कर रही थी उस मात्रा में कहीं ना कहीं पर क्या हो गई, कमी हो गई, और यानी वो कमी के होने के साथ ही ATP का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर O2 CO2 के स्वांगीकरण में क्या हो गई, कमी, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान 2PGA बनता है, और 2PGA जो है ये 2 कार्बन युक्त अणु हैं, तो इसलिए इस चक्र को हम C2 चक्र के नाम से भी
जानते हैं। C2 चक्र या इसी का दूसरा नाम है ग्लाइकोलेट चक्र। क्या कहेंगे इसको? ग्लाइकोलेट चक्र या C2 चक्र के नाम से भी जानते हैं। हमें प्रकाश श्वसन के अंतर्गत केवल इतना पूछा जाएगा कि ये प्रकाश श्वसन जो है ये कौन सी क्रिया होती है, इसमें किस प्रकार से O2 की अधिकता होने पर जो है वो CO2 के समांगीकरण दर में कमी हो जाती है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस नोट्स के अंतर्गत दे सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो वो मेरे को कमेंट करके बता भी सकता है। इस पाठ का अंतिम टॉपिक है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ये वीडियो के माध्यम से आज की अंतिम कक्षा है, इसके बाद हम प्रयास करेंगे आपके लिए लाइव क्लास लाने की। तो प्रकाश संश्लेषण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनके संदर्भ के विषय में बताने से पूर्व हमें दो चीज़ों के विषय में और पढ़ना पड़ेगा। एक दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था सेक्स और दूसरे का नाम था ब्लैकमैन। तो सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना क्या है। प्रधान बिंदु संकल्पना बच्चों ये प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में दी गई थी। तो इस सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना के अनुसार सेक्स क्या बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो एक निश्चित टेम्परेचर या कहें कि एक निश्चित तापमान पर जो है एक मान पर संपन्न होती है। तो उस मान, अब वो टेम्परेचर भी हो सकता है, CO2 का मान भी हो सकता है या कोई अन्य कारक भी हो सकता है। यदि वो मान जो है वो न्यूनतम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि तापमान जो है वो न्यूनतम है, जैसे सुबह के समय होता है, तो उस समय तापमान जब न्यूनतम होगा उस समय जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल क्या होती है, प्रारंभ होती है। लेकिन जैसे जैसे जब सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है यानी श्रेष्ठतम तापमान जब चला जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा यदि सूर्य का प्रकाश हो गया और तापमान बढ़ गया तो उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद भी हो जाती है। तो उस स्थिति में सेक्स ने बताया कि प्रकाश जो है प्रधान बिंदु संकल्पना जो है वो उसके तीन प्रमुख मान होते हैं, एक न्यूनतम मान, एक श्रेष्ठतम मान और एक अधिकतम मान। यदि मान न्यूनतम है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल प्रारंभ होगी, और श्रेष्ठतम मान है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होगी, और अधिकतम मान है तो उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी। जबकि ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत क्या कहता है? ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत जो प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में ही दिया गया था, इसने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की दर उस कारक पर निर्भर करती है जिसका मान या उपस्थिति न्यूनतम हो, जिसका मान या उपस्थिति न्यूनतम हो। अब मान लीजिए बच्चों कि यदि जो है दो कारक हमने लिए, एक तो हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक लेते हैं तापमान। यदि हम दो कारक लें, एक तो लें CO2 और एक लें, एक तो लेते हैं अपन CO2 और एक लेते हैं तापमान। यदि मान लीजिए इन दोनों कारकों में से CO2 जो है ये कम हो या तापमान कम है, मैं मान लेता हूँ कि टेम्परेचर जो है वो कम है, ठीक है, और CO2 की सांद्रता जो है वो ठीक है, तो उस स्थिति में यदि टेम्परेचर नहीं होगा तो ऊपर वाली क्रिया पर आ जाए यहाँ, तो क्रिया जो है वो प्रारंभ तो होगी लेकिन क्या वो क्रिया अधिकतम हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो सीमा कारक यानी रोकने वाला कौन हो गया यहाँ पर? तापमान हो गया। तो ब्लैकमैन जो है वो क्या कहता है? ब्लैकमैन ये कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर उस कारक पर निर्भर करेगी जिसका मान हमेशा क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो इन दो संकल्पनाओं को अपन प्रकाश संश्लेषण के को प्रभावित करने वाले कारकों से पहले याद करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कारक जिसको अपन बाह्यतम कारक या पर्यावरणीय कारक कहेंगे, इसमें पहला आ जाएगा प्रकाश। यदि सूर्य का प्रकाश होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो ठीक होगी, वरना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा कारक है तापमान।
यदि टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य है तो उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण जो है वो उच्चतम होगा। लेकिन यदि इस मान से कम या इस मान से अधिक हो गया तो प्रकाश संश्लेषण भी संभव नहीं हो पाएगा। तीसरा जो कारक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिलेगा ही नहीं तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है या प्रकाश संश्लेषण जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। चौथा कारक है जल। जल की उपस्थिति भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगी। यदि जल जो है वो ठीक प्रकार से उपलब्ध है तो प्रकाश संश्लेषण भी ठीक होगा। यदि न्यूनतम मात्रा है तो प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं हो पाएगा। और चौथा कारक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के विषय में अभी हमने प्रकाशीय श्वसन में पढ़ा था, यदि ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बढ़ गई तो प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है ना, अभी नष्टकारी क्रिया पढ़ी थी ना अपन, वो ही चीज। तो O2 की अधिकता में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी हो जाएगी। और दूसरा जो है उस कारक को अपन कहेंगे आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारकों के अंतर्गत बच्चों दो चीज आएगी, एक तो पर्णहरित और दूसरा रंध्र की संरचना। यदि पर्णहरित की बात करेंगे तो पर्णहरित जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है या कहें कि बहुत विशेष रूप से आवश्यक है यदि प्रकाश संश्लेषण होना है तो उस स्थिति में हमें पर्णहरित की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। यदि प्रकाश संश्लेषण हमें संपन्न करवाना है तो इस लवक या कहें कि इस वर्णक का होना अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा कारक है रंध्रों की संख्या। रंध्र की संख्या ये पत्ती की संरचना संबंधित है। यदि रंध्र बहुत अधिक मात्रा में होंगे तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो ठीक से हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि रंध्र जो है ये वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो CO2 जो है वो यदि ठीक से ले पाएंगे रंध्र तो CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो ठीक से हो पाएगा। ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है बच्चों। आज अपने 10 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गए। आशा है कि आपको ये वीडियो जो है अधिक पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लाइव क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही हमें जो भी निर्देश आपको देने के लिए कहा जाएगा हम उसी अनुसार आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आज बहुत लंबा हो गया। थैंक यू।